हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल. सो दिस इज मोना यादव. सो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स, एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज. वेल स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर. ओके, and this investment in land and capital, one investment in shares and bonds expecting higher return in the future, and a child how with investment made on her education and health. Okay, then students, today we will discuss our remaining chapter, and we have to start from here. So countries like Japan have invested in human resource. Then इस पैराग्राफ में हम डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो जापान जैसे कंट्रीज जो हैं, तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास किसी तरह का नेचुरल रिसोर्स जो है नहीं था. दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच कंट्रीज. तो ये रिच कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री. तो उन्होंने अपने कंट्री के नीड के लिए जो है नेचुरल रिसोर्सेज को इम्पोर्ट किया है, मंगवाया है अदर कंट्रीज से. सो हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड, तो किस तरह से वो रिच, किस तरह से वो डेवलप्ड बने. सो दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल एस्पेशियली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. ओके, देन यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ विलास एंड सकल. ठीक है, एंड यू कैन सी दैट एजुकेशन एंड हेल्थ कितना मैटर करती है एक बच्चे के ग्रोथ में और कंट्रीज इकोनॉमी के कॉन्ट्रीब्यूशन में. ओके, सो दीज पीपल हैव मेड एफिशियंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल. तो जापान जैसे कंट्री ने, हमने यहाँ जापान का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये एक डेवलप्ड कंट्री है और हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू बाकी चीजों को भी यहाँ पे रीड कर रहे हैं. ओके, तो वहां पे उन्होंने एजुकेशन एंड हेल्थ के फील्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. दीज पीपल हैव मेड एफिशियंट, और इससे क्या हुआ, लोगों को एफिशियंट बनाया गया यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल. जिस तरह से हम लैंड एंड कैपिटल का इन रिसोर्सेज का यूज करके अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड. सो यू कैन सी दैट कि एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी ने ही जो ये पीपल ने यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, एफिशिएंसी बढ़ी एंड टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई, तो इन कंट्रीज को रिच और डेवलप बनाने में किसका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वहां दी गई फैसिलिटीज का, एजुकेशन का, हेल्थ का. ठीक है, देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन. सो स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देन स्टूडेंट्स, इफ वी लुक एट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज थ्रू विच वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच एड्स वैल्यू टू द कंट्री. ओके, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं जो गुड्स और सर्विसेज के थ्रू, देन विच एड्स वैल्यू टू द कंट्री, तो वो कंट्री में अपनी वैल्यू को एड करते हैं. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज मार्केट एक्टिविटीज. मीन्स जो एक्टिविटीज करने से हम उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए ना करके एक तरह से मार्केट एक्टिविटीज के लिए, सेलिंग एक्टिविटीज के लिए करते हैं, और उससे हमारी वैल्यू या इनकम में जो है प्लस होता है, ऐड करता है वैल्यू को, तो ये क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, देन लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज. वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकल गेट ए जॉब इन द फर्म. ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ बोथ विलास एंड सकल, तो यू कैन सी दैट विलास सोल्ड फिश. विलास तो ओनली मछली बेचता था एंड सकल गोट ए जॉब इन द फर्म. तो द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर्स. जो वेरियस एक्टिविटीज हैं वो क्लासिफाई किया गया उनको थ्री मेन सेक्टर्स में. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज मार्केट एक्टिविटीज, एंड दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन डिवाइड इंटू थ्री कैटेगरीज. ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर and tertiary sector. So primary sector is also known as agriculture and related sector. Okay,
secondary sector is also known as manufacturing sector, industrial sector you can say, and tertiary sector is also known as service sector. So let's do the difference between all these three sectors. Okay, so first is primary sector. All those activities, listen carefully students, all those activities come under primary sector, which actually produces things by exploiting the natural resources. For example, agriculture, mining, dairy and forestry. Okay, तो basically यहाँ पर हम natural चीजों को exploit करके कुछ चीजों को produce करते हैं, and this actually provides the raw materials. Means जिन activities को करने से हमें as it is raw material के form में प्राप्त होते हैं चीजें, and this sector formed the base for the other sectors. Primary sector जो है ये एक base sector है, base बनता है ये other sectors के लिए, like that secondary and tertiary sector. So primary sector ऐसा sector जहां से हम as it is raw material प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिसमें हम natural resources को use करके, जैसे कि अगर हमने cotton production करना है तो हम वहां से कॉटन को एक रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसको हम मैन्युफैक्चर करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम एज इट इज उसको वहां से, कोई भी ग्रेन्स हैं जैसे अनाज हो गया तो उसमें अपना वीट है या अदर कोई भी क्रॉप्स हैं, तो वो हम एज इट इज जो प्राप्त कर रहे हैं वो सारी क्या है, दे ऑल आर रॉ मटेरियल्स. ओके, रॉ मटेरियल्स फॉर्म. सो बेसिकली यहाँ जो नेचुरल चीजों को एक्सप्लॉइट करके जो प्रोड्यूस की गई चीजें हैं, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल्स के रूप में. एंड सेकेंड आता है सेकेंडरी सेक्टर. सो व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? इट इन्वॉल्व्स बेसिकली व्हाट इट डज, इट मॉडिफाई व्हाट एवर द थिंग्स यू गोट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गोट कॉटन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. ओके, हमने पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर में अगर हमने कॉटन का प्रोडक्शन किया है, देन फ्रॉम देन सेकेंडरी सेक्टर इसका क्या करेगा, उसे कॉटन से यार्न में कन्वर्ट करेगा, और यू कैन से इट विल मेक कॉटन क्लोथ्स. ठीक है, मीन्स कॉटन से बनने वाली जो भी चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं बनेगी, वहां पे हमें उसे रॉ मटेरियल के रूप में लिया, और सेकेंडरी सेक्टर में, मीन्स दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर सेक्टर ऑल्सो, सो सेकेंडरी सेक्टर में हम उसको कॉटन क्लोथ्स के रूप में या यार्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, देन ऑब्वियसली दिस यू विल डू इन ए फैक्ट्री और इंडस्ट्री, राइट? तो आप इसको कहाँ पे करेंगे ये प्रोसेस जो है, या तो किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में. ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल से एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. लाइक इफ यू वांट टू मेक ए बिस्किट, ओके, यू गोट वीट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर. अगर आपको एक बिस्किट बनाना है तो आप प्राइमरी सेक्टर से वीट प्राप्त करेंगे, देन फ्रॉम दैट वीट यू विल कन्वर्ट इन टू फ्लोर एंड देन यू विल मेक ए बिस्किट. ठीक है, फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे फ्लोर में, और उसके बाद आप उसको उससे बिस्किट बनाएंगे बाय एडिंग शुगर, ऑयल एंड अदर थिंग्स. सो ऑल दिस डन इन ए इंडस्ट्री. तो ये सब चीजें कहाँ पे होंगी, एक इंडस्ट्री में होंगी. ठीक है, नेक्स्ट. तो देखो, हमने दो सेक्टर्स में देखा कि प्राइमरी सेक्टर हमें देता है रॉ मटेरियल्स, एंड सेकेंडरी सेक्टर में हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको एक वैल्यूएबल थिंग के रूप में बनाते हैं. देखो, वैल्यूएबल तो वो यहाँ पे भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे उसको मार्केट सेलिंग के पर्पज से या उसको कंजप्शन के पर्पज से उसको प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. ओके, एंड टर्शियरी सेक्टर, इन टर्शियरी सेक्टर बेसिकली प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, वट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग इन प्राइमरी सेक्टर, वी वॉन्ट नाउ ट्रांसपोर्ट फॉर दैट. ओके, तो टर्शियरी एक्टिविटीज या टर्शियरी सेक्टर में हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, यहाँ पे हमें जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की. ओके, एंड इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन की जरूरत है. ओके, सो हेयर द कम्युनिकेशन सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय द टर्शियरी सेक्टर. मीन्स ऑल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द टर्शियरी सेक्टर. ठीक है, जैसे हमने इन दोनों सेक्टर्स में देखा कि प्राइमरी सेक्टर में हम रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, सेकेंडरी में उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, एंड टर्शियरी सेक्टर में हम कुछ किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं. ओके, एंड थर्ड वन इज इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफर सम मनी, ऑब्वियसली यहाँ पर बैंकिंग इन्वॉल्व हो गया. ठीक है, अगर हमें मनी ट्रांसफर करना है तो बैंकिंग प्रोसेस आ गई, कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे एक तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस है, और अगर हमें कोई चीज यहां से वहां उसको लेके जाना है तो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है. ओके, सो
फॉर एग्जाम्पल लाइक टीचर्स, आप टीचर्स को लो, तो टीचर्स यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम बात करें टीचर्स डॉक्टर्स ये कौन से सेक्टर में आ रहे हैं तीनों में से, तो ये आ रहे हैं बेटा टर्शियरी सेक्टर में. ओके तो टीचर्स यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ टीचिंग, वो अपनी टीचिंग की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं. ओके सो टीचर्स ऑल्सो विल कम अंडर दिस टर्शियरी सेक्टर. और इसी तरह डॉक्टर्स भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स ऑल्सो विल कम अंडर द टर्शियरी सेक्टर एंड अदर लाइक टूरिज्म इंश्योरेंस मैनी थिंग्स. ओके तो टर्शियरी सेक्टर में क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के, रॉ मटेरियल्स को छोड़ के, जितनी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, मींस अपनी स्किल्स अपनी नॉलेज के बेस पे जो चीजें हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जिनका हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते. जैसे एजुकेशन है, तो एजुकेशन को हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम टीचर्स के थ्रू या टीचर्स उसको अपनी सर्विस को प्रोवाइड करके आपको दे रहे हैं. डॉक्टर्स जो है वो एक तरह से अपनी सर्विस दे रहे हैं ताकि आप हेल्थ फैसिलिटीज आपको मिल रही है, तो उसमें आप अपने आप को हेल्दी रख सके और अपने आप को किसी भी बीमारी से जो है बचा सके. सो यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ओके टीचर्स आ गए, डॉक्टर्स, टूरिज्म, इंश्योरेंस, मैनी थिंग्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है टर्शियरी सेक्टर में. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. इन प्राइमरी सेक्टर इट प्रोड्यूसेस द रॉ मटेरियल्स, इट फॉर्म्स द बेस फॉर अदर सेक्टर्स. प्राइमरी सेक्टर में हमें रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में चीजें प्रोड्यूस करनी होती हैं एंड इट इज द बेस फॉर अदर सेक्टर्स, और अदर सेक्टर्स के लिए ये बेस है. एंड सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली मॉडिफाई करता है वट एवर द थिंग्स वी गोट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स के रूप में जो भी थिंग्स हम प्राप्त करते हैं उनको मॉडिफाई करता है, उनको कन्वर्ट करता है, ठीक है. तो सेकेंडरी सेक्टर में हो गया, इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. एंड इन टर्शियरी सेक्टर इट प्रोवाइड्स द सर्विसेज, तो जो भी सर्विस करने वाली एक्टिविटीज होंगी दैट विल कम अंडर द टर्शियरी एक्टिविटीज. ओके तो वो सारी चीजें किसके अंडर आएंगी, टर्शियरी एक्टिविटीज के अंडर. तो बेटा ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से इसमें यहाँ पे बता दिया है, उसके बाद हम चैप्टर भी आगे रीड करेंगे. सो आई होप ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So tomorrow we will discuss about our remaining chapter. Thank you.